कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर रिया शर्मा में। और यहाँ पर ही अभी हम जो जो बाजार से यानी कि जो जो जमशेदपुर का मार्केट से हम लाए हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और जो जो मेरे को मिला है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हालांकि चीज ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम लाए हैं हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये वाला जो रैपर है ये मतलब एक तोहफा है इसके अंदर में। ये मेरे को भैया का रोका में दिया गया था, तो देखते हैं खोल के कि इसके अंदर में क्या है। चलिए, तो ये है तोहफा और ये है स्वीट्स, इससे पता चल रहा है। खोले तो चलो खोलते हैं जी। वन टू थ्री ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ही निकला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट, तो आप लोग भी खा लीजिए। ये है ना, ये है क्या बोलते हैं इसको, वो पीसने वाला। तो ये मैंने इसका लेकर के आया मार्बल का, ये ना 250 रुपीज का आया। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है प्राइस। तो ये वाला जो मार्बल का है इसके साथ ये वाला मिला है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली में जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना नवंबर में जब हम गए थे तब हमको याद है, हम उसको बोले थे कि मेरे को इस टाइम का ही मार्बल वाला चाहिए। हम पूरा बाजार घूम लिए, मेरे को नहीं मिला। फिर फाइनली इस बार मेरे को मिला है, फाइनली हम बहुत खुश है इस चीज से। ये वाला मेरे को मिल गया है, बहुत छोटा सा है बट बहुत क्यूट सा है। तो ये वाला एक लिया है मैंने, और इसका ये मोटी वाला, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी जो सिल्वर वाला होता है ना वो भी अच्छा होता है, बट मेरे को वो पसंद नहीं है, और उसमें अच्छा लुक आता नहीं है ना खाना का। वो मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा स्टाइलिश चीज होना चाहिए, इसलिए मेरे को लगता है शायद ऐसा होगा। चलो वो छोड़ो, अब देखते हैं ये बैग। ये बैग बहुत मतलब पुराना था, मतलब मम्मी ने ना मेरे लिए पहले ही खरीद के रखा था, तो इस बार हम गए थे तो ले आए थे। तो ये देखो बैग, ये इस तरह से खुलता है। ये ना आप इस तरह से कैरी कर सकते हो। आजकल तो ये फैशन भी चला गया है, बट फिर भी मेरे पास है, अभी मैंने खरीदा है, तो फिर हम बोले चलो दिखा देते हैं हम आपको। ये देखो मम्मी ने लिए के दिया है ये वाला बैग, और बहुत खूबसूरत है। देखिए इसका मोती कितना सुंदर है ना, ये जो मोती है ना ये वाला बहुत ही अच्छा है, मतलब मोती का चलते ये बैग बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए है ना अच्छा। तो ये है बैग, तो ये वाला बैग है, तो आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हो, ठीक है। बस आप कैरी कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई ज्यादा हैवी चीज आप इसमें मत डालना, नहीं तो फिर कोई पता नहीं है गिर भी सकता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी नहीं है इतना उठाने का इसका भार। तो इसीलिए आप मोबाइल रख सकते हो, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा हैवी चीज और कुछ रखना है इसमें, और थोड़ा बहुत पैसा वैसा रख सकते हो, दैट्स ऑल द थिंग इज। और इसमें अगर आप ज्यादा हैवी देंगे, इसमें वजन देंगे, तो ये वाला चीज है ना ये टूट सकता है। तो खैर ये वाला बैग है बहुत ही सुंदर है, जो कि देखिए आप भी। और अभी हम दिखाते हैं, टेबल क्लॉथ है ये, मैं दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है, ठीक है, ये ऐसा है, तो इसको खोलते हैं, देखिए, ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो ये इस तरह से है, पूरा का पूरा टेबल का है, ठीक है, ये इस तरह से लगेगा आपका टेबल में लगने के लिए, ताकि टेबल अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे टेबल भी।
तो मैंने यही ऐसा ही कलर क्यों चूज किया है, क्योंकि मेरे पास ना एक चादर है, वो भी मे भी पत्ता पत्ता बना हुआ है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से ही टेबल का भी ले लिया जिसमें ये बना हुआ है। अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है ना, बताइएगा जरूर अच्छा लग रहा है ना। तो ये वाला लिया है, और उसके बाद हम आ जाते हैं। ये तो मैंने लिया नहीं है, ये कपड़ा मेरे को मिला है ये भैया का जो रोका में गए थे ना, तो उन लोगों ने हमें दिया है, मतलब लड़की वाले ने दिया है। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं ड्रेस कैसा है, देखिए एक मिनट। तो ये वाला ड्रेस मेरे को मिला है रोका में, जो मिला है तो इस तरह से है ये, और ये इधर से ऐसे खुलेगा। तो ये सूट है पूरा का पूरा, ये देखिए ठीक है। तो ये इधर से ऐसे, ये ऐसे ठीक है। और इसका जो सलवार है वो इस तरह से है, ये सलवार है इसका। ये कलर हो गया आपका ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का सलवार है, येलो कलर का कमीज है जो कि सिलवाना पड़ेगा। तो और इसका चुन्नी दिखाते हैं हम अभी, चुन्नी बहुत अच्छा है, ये चुन्नी है प्लेन ही है, और इसकी कॉर्नर में ना ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखिए इधर पे भी फ्लावर लगे, कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे फ्लावर लगा दिया है इन लोगों ने। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए फ्लावर का चलते इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव सी। देखिए इस तरह से है ये दुपट्टा, दिखाते हैं हम आपको पहन के दिखाते हैं, देखिए ठीक है कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। पुराना दुपट्टा हटा के पहनना था ना, चलो कोई बात नहीं ऐसे पहन के दिखाते हैं आपको। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये चीज है ना, ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है, ये फ्लावर जो है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली में। तो ये है दुपट्टा इसका, और मैंने कहा भी उन्होंने ड्रेस दिया है, मतलब जो लड़की वाले लोग है ना उन लोग ने ड्रेस दिया है भैया का, मतलब भैया का दिया था, तो वो सब तो दिखाने का टाइम नहीं मिला मेरे को, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर हम बोलेंगे घर में तो वो लोग दिखा देंगे। और मम्मी का भी ड्रेस दिया है, मम्मी का भी अच्छा है, पिंक कलर का है उनका, और भैया का भी बहुत अच्छा है, पापा का भी दिया है, और मेरे हस्बैंड है ना उनका भी दिया है। तो उनका मेरे हस्बैंड का तो वो वहीं छोड़ के आ गए जमशेदपुर में, तो यहाँ पे है ही नहीं तो हम कैसे दिखाएं आपको, तो फिर इसलिए दिखा नहीं पाएंगे। और घर वाले लोग का मेरे को पता नहीं है, मैंने बोलना है कि बना करके भेजो वीडियो, तब देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तुम दिखा पाएंगे तो, अगर नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि घर में भी काम लगा हुआ है तो पता नहीं, ये भैया बिजी बहुत है तो पता नहीं मे भी उसको टाइम मिले ना मिले इसलिए। तो चलो इसी बहाने में भैया का रोका हुआ, हम आप लोगों को कुछ खिलाए भी नहीं है ना, सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ है, नमकीन बहुत खाते हैं ना हम, तो नमकीन चीज़ ज़्यादा रहता है मेरे पास। तो ये लो ये भी खा लो, काजू बर्फी ये वाला खा लो जी, खा लीजिए क्योंकि अभी हम खाने वाले हैं। तो ये काजू बर्फी है, बहुत अच्छा बर्फी है, श्रेष्ठ का है, ये देखिए ये लिखा है ना यहाँ पे श्रेष्ठ का। तो ये वाला काजू बर्फी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ही सुंदर है, देखिए आप बहुत ही खूबसूरत है। ये 170 रुपीस में ही मिल गया, अच्छे खासा अच्छा खासा 22 पीसेस भी था इसमें। काजू बर्फी के प्रेमी है इसीलिए आप लोग भी खा लो और हम भी खाते हैं ठीक है। फिर तो बस यही सारा सामान हम अभी तक लेके आए हैं, और नवंबर में जब हम गए थे तब हम बहुत सारा बाजार किए थे, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा किए थे, बट इस बार टाइम नहीं लगा मेरे को ज़्यादा, क्योंकि गए थे तो इतना वहाँ पे ठंडा है कि मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हम बीमार पड़ गए, फिर बीमारी से ठीक हुए तो फिर इधर भैया का रोका के लिए जाना था। फिर एक बार हम लोग ने टिकट ये करवाया था, ऑलरेडी डेट करवा चुका था कि उस समय हम लोग को जाना है, पर उस समय हम और मम्मी दोनों बीमार पड़ गए तो हम लोग गए ही नहीं, कैंसिल हो गया वो टिकट। और कैंसिल होने के बाद फिर हम लोग ने नया फिर बुकिंग करवाया और फिर इस बार गए, तो आपको पता है ना लेट हो गया काफ़ी, और उसके बाद जैसे वहाँ से आए फिर यहाँ आने का बारी आ गया, तो बस इसीलिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए, टाइम नहीं लगा ज़्यादा शॉपिंग करने का।
तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।